अगर आप इंटरनेट को डेली डेली यूज करते हो तो आप क्रोम ब्राउजर को यूज करते ही होंगे, क्योंकि क्रोम एक बहुत ही अच्छा ब्राउजर है जो हर किसी एंड्रॉइड फोन में होता ही है। और क्रोम पर हर साल बहुत ही ज्यादा काम किया जाता है, उसको और भी ज्यादा बेटर बनाया जाता है, उस पर यूजर एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया जाता है। तो उस पर हर साल बहुत सारे फीचर डाले जाते हैं जो आपके सामने होते हैं और कुछ हिडन होते हैं। तो हम आपको कुछ फीचर बताने की कोशिश करेंगे जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सो हमारा फर्स्ट फीचर है जो गूगल क्रोम के फीचर है, उसका नाम है फोर्स इनेबल जूम। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी वेब पेज को अगर उसमें जूम सपोर्ट करता है, बहुत सारे वेब पेज में सपोर्ट करता है और बहुत सारे वेब पेज में सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर जिसमें सपोर्ट नहीं करता उसमें आप फोर्सली उसको जूम कर सकते हो। तो इस फीचर से आप किसी भी वेब पेज को पढ़ने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अगर उसमें बहुत ही स्मॉल टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो उसको आप जूम करके पढ़ सकते हो। और इसको मैं दो तीन ट्रिक्स के रूप में यूज करता हूँ। अगर किसी का फेसबुक प्रोफाइल में अगर गार्ड लगा हुआ तो मैं क्या करता हूँ, उसका प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद उसका जूम करके उसका फोटो देख लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी देख सकते हो, और आप इंस्टाग्राम के भी प्रोफाइल पिक को देख सकते हो जो कभी नहीं दिखाता है, इंस्टाग्राम में भी नहीं दिखाता है। तो आप भी देख सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। अगर आप किसी वेबसाइट को बार बार क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हो, समझ रहे हो ना, अब बार बार ओपन करने के लिए आपको हर बार टाइप करना पड़ता है। तो अगर आप क्या करो कि इस वेबसाइट पर जाओ और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करो, उसके बाद ऐड होम स्क्रीन पर क्लिक करो, उसके बाद ऐड पर क्लिक करो, तो वो वेबसाइट आपका जो भी आपका खतरनाक वाला वेबसाइट है जिसको आप डेली यूज करते हो, मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा फेवरेट वेबसाइट है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, उसके बाद ये आपके होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा एक ऐप के पॉपअप के रूप में। उसके बाद अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो सीधा डायरेक्ट आपका उसी वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा, जिससे आपको बार बार वेबसाइट को ओपन करने का और बार बार टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ते हो, जैसे हेल्थ आर्टिकल, न्यूज हो गया, ब्लॉग्स हो गया, या किसी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के बारे में कोई आर्टिकल हो गया, तो कई बार क्या होता है कि उस वेब पेज में बहुत ही सारा एड्स होता है, बहुत ही ज्यादा पॉपअप होता है जो उस वेब पेज को बहुत ही ज्यादा मिसी हुआ रहता है। तो उसको क्लीन करने के लिए एक ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है, उसके बाद यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड व्यू और वेब पेज का ऑप्शन रहेगा, तो जस्ट उसको टर्न ऑन कर देना है। उसके बाद अगर आप उसी वेबसाइट पर जाते हो तो आप देख सकते हो कि आपको नीचे यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड व्यू और वेब पेज का एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट उस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि इस वेब पेज का पूरा एक सिंप्लीफाइड व्यू हो गया जो बहुत ही ज्यादा क्लीन हो गया है, जिसको आप पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पर जाना चाहते हो जो आपने पहले उसको खोला था, उसके बाद आपने बंद कर दिया, तो क्या करते हो, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हो, उसके बाद हिस्ट्री में जाते हो। तो उसी को करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको क्या करना है कि जस्ट बैक बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद आप जैसे ही प्रेस करोगे आपने जो भी वेबसाइट को पहले खोला था वो सारे वेबसाइट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको जस्ट उस पर जो भी अपना वेबसाइट उसको अगर आप खोलना चाहते हो तो जस्ट उसको क्लिक कर दो, उसके बाद उस वेबसाइट पर आप जाकर मूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही हैंडी फीचर है जो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। क्रोम में आप बहुत ही सारी चीज़ों को, बहुत ही सारे फाइल्स को आप डाउनलोड करते होंगे, तो डाउनलोडिंग के स्पीड को बढ़ाने के लिए एक ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको सर्च बार में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रोम फ्लैग में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पैरेलल डाउनलोड, तो यहाँ इसको जस्ट इनेबल कर लेना है, उसके बाद ये आपके डाउनलोडिंग स्पीड को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा कि आपका जो भी आपका डेटा है वो टोटली डाउनलोडिंग में लगाएगा और कहीं भी यूज नहीं करेगा बैकग्राउंड में। सो हमारा नेक्स्ट फीचर एआर से रिलेटेड है। AR का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। सो क्या होता है कि अगर आप किसी एनिमल को सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टाइगर, तो अगर आप यहाँ पे टाइगर सर्च करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक व्यू इन 3D करके एक ऑप्शन है, उस पर जस्ट आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप देख सकते हो कि इसका आप 3D व्यू देख सकते हो, इसको आप रोटेट कर सकते हो और हर डिटेल्स को देख सकते हो, कैसे दहाड़ता है और भी कई चीजें होती है जो आपके माइंड में होगी, तो आप इसको देख लेना। और यहाँ पे एक व्यू इन योर स्पेस करके ऑप्शन है, अगर आप इसको जस्ट इस पर क्लिक करते हो, उसके बाद
आप देख सकते हो कि ये आप अपने जो आपका जो प्लेस है उसमें आप इसको उतार सकते हो। जस्ट इसको ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मेरे फेस में आ गया है। सो हमारा नेक्स्ट फीचर है कि अगर आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ रहे होते हो और किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता रहता है तो आप क्या करते हो, आपको उसको कैंसिल करके आप नए टैब में जाते हो, उसके बाद उसका वर्ड सर्च करते हो। तो आपको उतना करने का जरूरत नहीं है, जस्ट अगर आप उसको सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि जिस वर्ड का मीनिंग आ गया है, उसके बाद आप इसको जस्ट ऊपर करके आप देख सकते हो कि इस वर्ड का भी जितना भी मीनिंग है और जो भी उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा आप गूगल पे जैसे सर्च करोगे वो आपको नीचे शो करने लगेगा। बहुत ही लोग जानते भी होंगे इसको, और अगर नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, आप सीख लिए। बहुत ही बार क्या होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और उसका अगर आप नोटिफिकेशन अलाउ कर देते हो तो आप देखते हो ऊपर कि बहुत ही सारे बेकार के नोटिफिकेशन आपको आने लगते हैं और वो कभी रुकते ही नहीं है। तो आप इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको जस्ट आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, उसके बाद जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको साइट सेटिंग में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन करके एक ऑप्शन होगा उसमें आपको जाना है, और यहाँ पे जो भी आपका अलाउड होगा जिस वेबसाइट का आपने नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया होगा उस साइट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करके उसके बाद आप इसको ब्लॉक कर दे सकते हो, और इसके बाद ये आपका ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स, आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी बोल सकते हो। आपको अगर अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं नेक्स्ट, गुड बाय।